electrical energy and power. So if I choose a conductor and potential at that point is VA and potential at that point is VB. Now the VA potential is greater than VB. तो हम लोग ने assume किया क्या कि VA potential VB potential से ज्यादा है, ठीक है? So potential difference क्या होगा? So now the potential difference VAB that is equal to final potential V कोई भी एक point का potential VA minus VB that is the potential difference, ठीक है? So VA इस point का ज्यादा potential, इस point पे कम potential, दोनों का difference क्या होगा? Potential difference that is VAB and the value is greater than zero. क्योंकि VA का जो value है वो भी zero से ज्यादा है and VB का जो value है वो भी zero से ज्यादा है, ठीक है? Now अब potential VA का जो ज्यादा होगा तो lower potential VB जो कम होगा तो इस तरफ से इस तरफ ion flow कर जाएगा, ठीक है ना? So अमाउंट ऑफ चार्ज इधर से इधर तक फ्लो होगा, ठीक है? सो हमने लिया डेल्टा क्यू ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज अगर वी ए पोटेंशियल से वी बी पोटेंशियल तक फ्लो होगा. क्यों होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से चार्ज फ्लो? इधर देखो, अगर हम लोग एक टैंकी ले लिया, यहाँ पे एज्यूम किया पोटेंशियल पानी है इसके अंदर वीपी, ठीक है? इससे छोटा एक पाइप नीचे से कनेक्ट कर दिया, एक नल पाइप से नल कनेक्ट कर दिया नीचे से, ठीक है? तो यहाँ पे एक और बीकर रख दिया और कुछ टैंकी वगैरह कुछ रख दिया, तो क्या होगा? ऊपर का जो पानी है ये नीचे आ जाएगा. क्यों आएगा नीचे? क्योंकि ऊपर में पानी ज्यादा है, नीचे पानी कम है, सो ऊपर से नीचे तक आ जाएगा, ठीक है? क्यों आ गया? ये हायर में है, ये लोअर पानी है. सिमिलरली चार्ज इधर से इधर क्यों जाएगा? दिस इज द हायर पोटेंशियल द लोअर पोटेंशियल, ठीक है? तो चार्ज डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा टी टाइम पे, तो अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा दैट इज इक्वल टू आई. यू ऑल नो दैट इन प्रीवियस लेक्चर, राइट? सो क्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू आई डेल्टा टी, ठीक है? सो एक पोटेंशियल का भी चेंज होगा क्योंकि हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल में, ठीक है? सो डेल्टा यू तो चेंज इन पोटेंशियल, सो डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी एक चेंज होगा. ये हायर पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी का भी एक चेंज होगा. वो क्या होगा? सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इस पॉइंट को अगर ए पॉइंट दिया, इसको अगर बी पॉइंट दिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा यू ऑफ ए एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा यू ऑफ बी, राइट? सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू नो दैट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सो एनर्जी होगा डिफरेंस फाइनल पोटेंशियल मतलब वी बी वाला पोटेंशियल माइनस वी ए, ओके? तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वी ऑफ बी वी ऑफ ए, ठीक है ना? फाइनल माइनस इनिशियल. नाउ अगर हम लोग इसको डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग इसको डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. सो डेल्टा क्यू ऑफ अमाउंट से चार्ज से हमने मल्टीप्लाई कर लिया. सो
ठीक है, क्लियर हो गया। तो इधर देखो, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई डेल्टा टी, आई अमाउंट ऑफ करंट डेल्टा टी। अब क्या होगा, ये लोअर है ये हायर है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, अगर वो बी आएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर बी हुआ तो माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, तो माइनस आई बी डेल्टा टी। नाउ दी वैल्यू जीरो से कम होगा क्योंकि ये माइनस से ना गया इसलिए, ठीक है ना। सो तो चार्ज क्या होगा, इससे इस तरफ तक बहुत तक चार्ज मूव होगा, करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बहुत सारा चार्ज मूव होगा। अगर चार्ज मूव होगा तो क्या होगा, सोचो इफ द चार्ज मूव होता है तो क्या होता है, तो एक दूसरे के साथ कलिशन होता है। अगर कलिशन होगा तो क्या होगा, एक आएगा कोलाइड होगा, फिर वो दूर चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर एक कलिशन होगा, ऐसा चला जाएगा। तो कलिशन क्या टाइम लगता है उसको, और जो चार्ज जो फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा उसको अपोजिट में करंट फ्लो होगा, तो उसका वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिप वेलोसिटी। और एक कलिशन का कितना टाइम लगेगा, वो होगा टाउ। जितना कलिशन होगा ठीक है ना, वो क्या होगा, उसका उतना ही एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है। सो जितना नंबर ऑफ कॉल्यूशन होगा उसके ऊपर एनर्जी उतना ही जनरेट होगा। सो काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, ठीक है, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ कोई भी एक चार्ज जाएगा तो एक दूसरा रहेगा, एक और रहेगा, कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो सकता है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो सकता है। तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 × 10⁻³¹ kg, वेरी स्मॉल नंबर। अगर एक कंडक्टर के इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए बिलियन नंबर ऑफ चार्ज लगेगा, और बिलियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज अगर कोई भी एक मूव होगा तो कोलाइड भी होगा। अगर कोलाइड होगा एक दूसरे के साथ धक्का लगेगा, तो आफ्टर कोलिशन सो द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, सो द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कंजर्वेशन, इफ पोटेंशियल एनर्जी is less than zero, so kinetic energy is greater than zero. Okay, we know that due to conservation, potential energy plus kinetic energy is constant. अगर ये वाला negative पे जाएगा, ये positive पे आएगा। अगर more collide हुआ, more strike हुआ, तो more energy generate होगा। अगर तो क्या होगा, more heat भी generate होता है। ठीक है? So finally हमको क्या मिला? अगर due to the कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर उधर कोलाइड होगा, कॉलिशन भी होगा, सो डेल्टा के मींस यहां पे जो आएगा तो होगा आई बी डेल्टा टी, दैट्स अ डेल्टा के इज ग्रेटर देन जीरो ड्यू टू कंजर्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा, इन कंडक्टर के अंदर से जो फ्रीली थ्रू होगा ना चार्ज, जो फ्री मूव करेगा, तो वो होगा द कंडक्टर अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर चार्ज यहां से यहां तक क्यों मूव कर रहा है, फ्री चार्ज जो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, अगर एक कंडक्टर है, एक पॉइंट पे प्लस है, एक पॉइंट पे माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डिरेक्शन पे जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इस डिरेक्शन पे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डिरेक्शन पे जाएगा, मतलब ई अगर जिस डिरेक्शन पे जाएगा, करंट उसके ऑपोजिट डिरेक्शन पे फ्लो होगा, ठीक है। तो जो फ्री चार्ज होगा ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज एज दे मूव, तो जितना एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा उतना ही कोलिशन होगा, जितना कोलिशन होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि एट द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी इफ दो वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। बिफोर कोलिशन आफ्टर कोलिशन द काइनेटिक एनर्जी सेम, कॉन्स्टेंट वैल्यू।
So however, seen earlier on the average and charge carry do not move with the acceleration but with the steady drift velocity. So यहाँ पे जो चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो मूव होगा ऑपोजिट डायरेक्शन पे, जो काइनेटिक डायरेक्शन में जाएगा उसको ऑपोजिट पे, उसका वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी. इफ एक्सचेंज, इफ चार्ज मूव फ्रॉम द कंडक्टर, तो एक ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूं. इफ चार्ज मूव इन कंडक्टर, अगर कंडक्टर के अंदर से चार्ज अगर मूव होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा. तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, की चेंज, ठीक है. अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो क्या मिलेगा, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूज काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ मूव हुआ और इस तरफ से चार्ज अगर मूव हुआ तो देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा. काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसके अंदर जो चार्ज होगा वो मूव होगा. चार्ज क्यों मूव होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर चार्ज मूव होगा तो क्या होगा, कोलिशन ज्यादा होगा, कोलाइड ज्यादा होगा, जितना कोलिशन होगा उतना हीट जनरेट हो सकता है, ठीक है. सो क्यों इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. अब नेक्स्ट, सो द इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलरेटेड. अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाउ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड, ठीक है. तो यहां पे मूव क्यों हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्सिलरेट हुआ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हुआ क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है उसके अंदर. सो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सिलरेट हुआ तो मैंने क्या बोला, बहुत बिलियन नंबर ऑफ चार्ज है, इज बिलियन 10^31 kg, दिस इज वेरी स्मॉल नंबर. तो बिलियन नंबर ऑफ चार्ज अगर एक देश में जाएगा इफ मोर एक्सीलरेट होकर, तो क्या होगा, उन दोनों के अंदर कोलिशन भी बहुत ज्यादा, बहुत सारा कोलिशन होगा. इफ बहुत सारा कोलिशन होगा तो क्या होगा, इफ मोर कोलिशन तो मोर हीट, ठीक है, क्लियर हो गया. So more heat. So देखो the conductor is heated up. Thus the actual conductor, the amount of energy is dissipated in heat. So energy क्या होगा, dissipated in heat. ठीक है. So during the interval delta T. So next the work done. अगर energy के change क्यों हुआ, क्योंकि हमने कुछ काम किया, कुछ work done किया, इसलिए energy change हुआ. Either gain भी हो सकता है और loss भी हो सकता है. तो हम लोगों ने कुछ काम किया इसलिए एनर्जी चेंज हुआ, ठीक है. सो डब्ल्यू, सो नाउ द डेल्टा डब्ल्यू, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन. सो द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, वर्क डन क्या कर, किसने करेगा वर्क डन, एक चार्ज करेगा, चार्ज एक वर्क डन करेगा, एक कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितने एनर्जी डिसिपेटेड होगा, दैट इज द आई वी डेल्टा टी. सेम काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इफ वन इज लेस देन जीरो अदर इज ग्रेटर देन जीरो. सो नाउ आई वी डेल्टा टी, दैट इज आल्सो कॉल्ड वर्क डन. अगर वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड पावर. सो वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज आई वी डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, कट कट. सो दैट इज इक्वल टू IV. So work done with respect to time, that is, we know that that is equal to power. So power equal to IV or VI. ठीक है. So from the Ohm's law we know that that power. So Ohm's law क्या है? Ohm's law था V equal to I times R. Now is replace I. V that is equal to I R, that is I square R, and you know that the unit of SI unit of power is watt. Okay, right. Now this power is a loss. This power is called a loss, and also the name of that loss is called ohmic loss.
this power is a loss, and this loss is named is ohmic loss. Okay, in conductor resistance R carrying a current I, in this power is heated up. Okay, the conductor resistance R carrying current I, but कुछ loss हुआ उसमें due to heat, उसको बोलेंगे हम लोग that ohmic loss. The coil of an electric ball is हम लोग जो bulb use करते हैं yellow color का जो bulb, वो क्या होता है, वो loss होता है. कैसे loss, कहाँ से निकलता है, via radiating light. Okay. And now where does the power came from? Power कहाँ से आएगा? ओके ये पावर जो है ये कहां से आएगा, ठीक है. तो पहले एक बीकर ले लेते हैं, ऐसे वोल्टाइक सेल, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट, एंड सोडियम क्लोराइड इज ए इलेक्ट्रोलाइट. टू प्लेट, वन प्लेट इज कैथोड, अनदर इज एनोड. दिस नेम ऑफ प्लेट इज मेटल प्लेट इज कैथोड, अनदर इज एनोड. एंड इफ दैट इज अ प्लस, दैट इज अ माइनस, यू नो दैट द एनोड and the anode is a cation, anode is a cation, and cathode is a anion. Okay, so if sodium chloride are the electrolyte and this plate is again positive, if sodium is positive and chlorine is negative, if sodium is lost electron, it loses a single electron, and chlorine is gain electron. Okay, if agar ye lost electron hua to ye kya hoga, that is called oxidation, and this is called reduction. If loss of oxidation, okay, means to sir pe kya aayega, plus aayega. If sir pe plus aayega to kya banega, wo cation banega. जो कैटायन होगा कौन सी प्लेट पे जाएगा, वो एनोड की प्लेट पे जाएगा. जो माइनस होगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एनायन, ठीक है. वो कौन सी प्लेट पे जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, राइट. सो दीज टू इलेक्ट्रोड इज अ पॉजिटिव, वन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव एंड अनदर इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव. इफ पॉजिटिव नेम द इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड. ओके, नाउ दिस इज अ बैटरी सेल. कुछ देर बाद हम लोग इसका पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस जो रेजिस्ट करेगा, जो रेजिस्ट करेगा आर, ठीक है. इसको अगर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा. तो करंट कौन से डायरेक्शन फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक, ऐसी डायरेक्शन पर करंट फ्लो होगा. तो जो हम लोग का रियल लाइफ जो होता है ना, एग्जाम्पल में ले लेते हैं. सो पावर कहां से आता है, सो पावर जो आएगा, सो कीप द सोर्स स्टेडी करंट टू द कंडक्टर इज क्लियरली सोर्स व्हिच मस्ट सप्लाई द पावर. ये सोर्स होगा, ये जो सेल, ये पावर जनरेट करेगा. ये क्या जनरेट करेगा, ये पावर जनरेट करेगा. एक्चुअली बैटरी जो होगा, इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, वोल्टेज सेल, ये पावर जनरेट करेगा, ठीक है ना. तो अगर देख लो, जो पावर स्टेशन होता है वो बहुत दूर होता है सिटी से, वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से पावर हम लोग के घर में या लोकल एरिया में आएगा. तो आते आते क्या होता है, जो वायर का लेंथ बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हीटेड होता है, तो पावर लॉस होता है, ठीक है. तो अगर वो ट्रांसमिशन केबल, जो वायर केबल होता है ना, सर पे ऊपर देखना, जो वायर केबल होता है, कभी कभी पर भी अंडरग्राउंड में होता है, तो उसमें क्या होता है, वायर हीटेड होता है, तो ड्यू टू हीट पावर भी लॉस होगा. तो उसको रिकवरी करने के लिए
हमारे जो लोकल एरिया में देखना, हम लोगों के सिटी का जो लोकल एरिया होता है, छोटा छोटा जो एरिया में एक ट्रांसफार्मर बिठाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को बूस्ट कर देता है। कहीं पर अगर पावर कम हो गया उसको बढ़ा देता है, कम हो जाएगा जब तक हीट होगा तो पावर लॉस भी होगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, पावर को बढ़ाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि जो लॉस हुआ लॉस को रिकवरी कर देता है। और एक ट्रांसफार्मर होता है जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो हम लोग बाद में ट्रांसफार्मर स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन और जो केबल के अंदर, उस लॉस को रिकवरी कर देता है, ठीक है। सो अगर देख लो कोई भी एक कनेक्टिंग वायर पावर स्टेशन से जब आएगा तो क्या होगा, एक पावर स्टेशन से जो पावर आता है पी दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। सो इफ अगर ले लिया जो पावर जो लॉस हुआ, या अगर पीसी ट्रांसमिशन केबल का जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर आरसी होगा, इफ रेजिस्टेंस आरसी होगा मतलब एक फाइनेट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी रहेगा, मतलब जितना भी लंबा होगा उसके रेजिस्टेंस वैल्यू उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि वी नो ऑल नो दैट आर रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल ओवर ए, मतलब जितना लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा, मतलब एक फाइनेट वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो करंट का तो पावर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर भी लॉस होते रहेगा। तो दिस करंट को अगर हम लोग रिकवरी करने के लिए क्या मिलेगा, देखो सो क्या होगा, देखो जो आई होगा ये पावर सप्लाई जो स्टेशन होगा, पावर सप्लाई जो जहां पर भी जो लोग पावर सप्लाई देते हैं वो पावर सप्लाई का करंट होगा आई। सो यू नो दैट पावर पी इक्वल टू वी टाइम्स आई और आई टाइम्स पी, सो आई इक्वल टू पी ओवर बी। नाउ अगर इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दे, यहाँ पे जो आई स्क्वायर आएगा पी ओवर बी का होल स्क्वायर ओवर आर सी, तो क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्क्वायर बना देंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर वी स्क्वायर और इसको बाहर आर सी आ जाएगा, तो पी सी, ठीक है ना। सो डिवाइस ड्राइव द डिवाइस पावर पी, ये वाला जो डिवाइस को ड्राइव करेगा वो वाला पावर पी होगा, एंड द वेस्टेज पावर इज कनेक्टिंग वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। सो वेस्टेज पावर, ये वाला है वेस्टेज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर कंपेंसेट करने के लिए ये हाई टेंशन और हाई वोल्टेज लाइन जाता है, बोलते हैं 440 वोल्ट हाई वोल्टेज लाइन। तो हाई वोल्टेज लाइन जितना बढ़ जाएगा तो उतना ही घट जाएगा, उतना ही जो पावर वेस्टेज होता है उतना ही कम होता है, ठीक है। सो द ट्रांसमिशन केबल द पावर स्टेशन और द 100 miles लॉन्ग ऑफ द रेजिस्टेंस आर सी इज कॉन्सिडरेबल एंड रिड्यूस द पी सी दिस वायर कैरी द करेंट एट एनमोरस वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज द रीजन फॉर द हाई वोल्टेज डेंजर साइन ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो ये वाला ये वोल्टेज ज्यादा कर देता है क्योंकि ये पावर जो ये वाला लॉस होता है, ये लॉस पावर को घटाने के लिए इसका वैल्यू ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए डेंजर साइन में डेंजर जो सिंबल होता है वो दिया जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल, सो कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, दो टाइप होगा, ओके। एक होगा सीरीज अनदर इज पैरेलल। सीरीज क्या होगा, एक रेजिस्टेंस R1 और एक रेजिस्टर R2, इसका वैल्यू अगर R1 ओम, इस रेजिस्टर का वैल्यू अगर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस अगर R2 होगा, यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है। तो एज्यूम क्या, यहां से आई करंट जाएगा, यहां से भी आई करंट जाएगा, यहां से भी आई करंट, ठीक है। याद रखना अगर सीरीज में कनेक्शन होगा तो करंट का जो वैल्यू होगा ना वो सेम होगा, ठीक है।
सो पोटेंशियल का वैल्यू वो चेंज होगा. सो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, अगर V हुआ तो दैट इज अ V1, दैट इज अ V2. सो V1 इक्वल टू I1, I R1, एंड V2 इक्वल टू I R2, राइट. सो टोटल पोटेंशियल, सो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इस सुपरपोजिशन थ्योरम दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2. सो I R1 दैट इज V प्लस I R2. सो नो दैट अगर यहां पे जो वैल्यू होगा करंट I, यहां से तक I और टोटल पोटेंशियल को दे दिया R टोटल, दैट इज इक्वल टू I को कॉमन ले लो R1 प्लस R2, जो I कट गया तो फाइनल क्या मिला R टोटल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट ऑफ सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2. अगर दो की जगह चार होगा तो ये R3 R4 सिंपल एडेड होते हो जाएगा. सो दैट्स कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, ठीक है, जिसमें एक ही रूट होगा, सीधा आएगा यहां से, आएगा यहां से निकल जाएगा. इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या होगा, डॉट डॉट करके R n, सिंपल सब जो सिंपल सारे ऐड होते जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट इज पैरेलल. पैरेलल कनेक्शन क्या होगा, सो पैरेलल कनेक्शन होगा या का रेजिस्टेंस ऐसा एक होगा, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस होगा R1, ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा R2, इसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल कनेक्शन. तो पैरेलल कनेक्शन हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो एक जंक्शन पॉइंट होगा, दो एक यहां पे जंक्शन पॉइंट और यहां पे एक जंक्शन पॉइंट, तो दो जंक्शन पॉइंट होगा J1 J2, ठीक है. तो दो जंक्शन पॉइंट में अगर यहां से I करंट आएगा तो दो जंक्शन एक जंक्शन पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज I1 और यहां पे जाए ले लो ले, I2. तो जंक्शन पॉइंट हम किसको बोलेंगे, अगर एक वेयर और कोई भी एक रूट आ गया एक मिडिल एक रूट पर, ठीक है, तो कोई भी कार यहां से आके यहां से जा सकता है और यहां से भी जा सकता है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जहां पे थ्री वे हो सकता है, एक इधर से इधर से, लेकिन सिंगल वे को इधर से आ गया फिर इधर चला गया इसको हम लोग जंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है. अगर थ्री की जगह फोर भी हो सकता है, यहां से और एक निकाल दो यहां भी जंक्शन होगा, तो जंक्शन पॉइंट होने के लिए मिनिमम थ्री वे तो होना ही चाहिए, इधर से एक इधर से एक इधर से थ्री वे होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सिंपल एक ही रूट नहीं होगा, ठीक है. सो अगर पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, तो पैरेलल में क्या होगा पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा. तो पोटेंशियल हम लोग मेजर कैसे करेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस ऐसे हम लोग पोटेंशियल का मेजर करेंगे. तो यहां पे क्या होगा, जंक्शन वन पे पोटेंशियल, जंक्शन टू में पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, ठीक है. तो इस रेजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा और इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल का वैल्यूज होगा दोनों सेम ही होगा, ठीक है. सो दो रेजिस्टर में देखो क्या आएगा, सो I1 इक्वल टू क्या होगा V R1 एंड I2 दैट इज इक्वल टू V R2, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा डिफरेंस वो दोनों सेम ही होगा. सो टोटल करंट देखो, अगर एक करंट इधर से आएगा ये I होगा, इधर पे अगर I1 जाएगा, इधर पे अगर I2 जाएगा, ठीक है, मतलब एक आएगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, लेफ्ट एज्यूम कर लो एक चौक, अगर इसको हम लोग बीच में तोड़ देंगे तो दो पार्ट आ जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा,
और दो पार्ट को अगर जोड़ देंगे तो एक चौक बन जाएगा, सिंगल चौक। तो सिमिलरली क्या होगा, सिंगल चौक होगा वो होगा आई, दैट इज इक्वल टू जो दो चौक को बीच में तोड़ दिया, जो दो चौक बन गया तो क्या होगा, एक होगा आई वन और एक होगा आई टू। क्लियर? सो आई वन इक्वल टू क्या होगा, बी आर वन प्लस बी, सॉरी बिग मिस्टेक है, दैट इज बी ओवर आर वन आर टू, सॉरी ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है ना। सो ओम्स लॉ बी इक्वल टू आई आर, सो आई वन इक्वल टू बी ओवर आर वन, आई टू इक्वल टू बी ओवर आर टू। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे बी ओवर आर वन देयर इज बी ओवर आर टू। ओके, नाउ अगर हमने बी को कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू। सो ये वाला टोटल करेंट होगा, अगर इन दोनों का अगर कोई ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स कंसीडर किया, मतलब इसके अंदर क्या है हमको कुछ पता नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा पता नहीं। तो टोटल करंट अगर आई होगा तो टोटल पोटेंशियल वी भी होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस भी एक होगा। अगर इसको हम लोग ब्लैक बॉक्स कंसीडर करेंगे तो ब्लैक बॉक्स का भी एक रेजिस्टेंस होगा, तो उसका अगर हम लोग टोटल बोलेंगे तो आई इक्वल टू वी ओवर आर, दैट्स द टोटल पोटेंशियल वी एंड टोटल रेजिस्टेंस RTOT, ओके? इसको अगर हम लोग ऐसे रिप्लेस कर दें, मतलब एक ब्लैक बॉक्स का टोटल रेजिस्टेंस होगा R टोटल, इसके अंदर कितना सीरीज है, कितना पैरेलल है, हमको पता नहीं, अब पता करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। सो दैट इज R टोटल, ये जो V होगा, ये दो एंड का ब्लैक बॉक्स का दो एंड का पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड का क्या होगा, V। तो V V कट गया, तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को, पैरेलल में मिला 1 over R total is equal to 1 over R1 plus 1 over R2। तो इससे थोड़ा डिफरेंस है, इसमें सीरीज था, इसमें पैरेलल आ गया। अगर दो की जगह तीन होता तो क्या होता, R3, अगर n होता तो क्या होता, 1 over Rn, ठीक है, क्लियर हो गया कैसे बना सीरीज और पैरेलल। नाउ अब हम लोग ऐसे एक सर्किट बनाएंगे जहां पे एक रेजिस्टर सीरीज में होगा उस और दो रेजिस्टर पैरेलल में होगा। सो ऐसे एक सर्किट बना लिया, एक्चुअली डिवाइस का नाम है रेजिस्टर, उसका जो वैल्यू होगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक रेजिस्टर ले लिया, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसको हमने दो जंक्शन पार्ट पे ब्रेक कर लिया, फिर से ज्वाइन कर दिया, दैट इज ए पॉइंट, दैट इज ए बी पॉइंट, दैट इज आर वन, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर वन, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर टू, इसका है आर थ्री। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का, वो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे भी एक जंक्शन है, तो दो जंक्शन के बीच में क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। तो सिमिलरली क्या मिलेगा, देखो दो पैरेलल लाइन हुआ तो R टोटल इन दोनों का मिला के, एक्चुअली R P दे दो पैरेलल वाला, क्या होगा, 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, दोनों का एलसीएम करो क्या मिलेगा, R2 R3, तो R2 प्लस R3, तो टोटल आर पी क्या मिलेगा, तो आर पी पैरेलल वाला मिलेगा आर टू आर थ्री ओवर आर टू प्लस आर थ्री। ओके, तो इन दोनों का तो मिल गया और सर्किट थोड़ा इजी हो गया। कैसे बना, देखो ये ए है, ये रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आर वर, और इन दोनों मिला के क्या बना, आर पी रेजिस्टर। तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, आर पी रेजिस्टेंस वैल्यू रेजिस्टर आर पी, ये हो गया बी पॉइंट। अब इस रेजिस्टर का वैल्यू होगा आर वन, इफ रेजिस्टर का वैल्यू होगा इस रेजिस्टर का आर पी, मतलब रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को मिला के क्या होगा, देखो ये वाला सीरीज में आ गया, तो सिंपल क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट इज इक्वल टू
आर वन प्लस आर पी ना, अगर आर आर पी को अगर हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा देखो, सो दैट इज आर टू आर थ्री ओवर आर टू प्लस आर थ्री। तो ऐसे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आज यही तक रहने देते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।